भगवान शिव जो हम जिन्हें जानते हैं वो महायोगी के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब कि योगियों में महायोगी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव शांति और योग के प्रतीक हैं। तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिफ्रेश माइंड विद शिवा। तो दोस्तों जो आज हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है महादेव ज्ञान। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है, चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब जैसे कि शांत रहकर खुद पर नियंत्रण रखना, ये सीख हम भगवान शिव से सीख सकते हैं। अब जैसे कि भगवान शिव से बड़ा कोई भी योगी नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ही महायोगी हैं। तो दोस्तों किसी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में अगर बैठ जाएं तो दुनिया इधर की उधर भी हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता है। भगवान शिव का यह ध्यान हमें जीवन की चीज़ों पर नियंत्रण रखना सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी सोच को और समझ को शांत रहकर नियंत्रित रखना चाहिए, ताकि हम अपने कामों में सफल हो सकें। तो दोस्तों आज हमने जाना भगवान शिव के ज्ञान के बारे में, तो कैसे अपने मन पे नियंत्रण रखना चाहिए। तो दोस्तों आप इनमें से कितने फैक्टों के बारे में जानते थे मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।